सो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बनाने वाले हैं बॉल एंड पेडल का गेम, जिसे हम पिंग पोंग भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली तीन स्प्राइट्स चाहिए, एक है बॉल, दूसरा पेडल और तीसरी एक लाइन। यह हमारी एक लाइन रहेगी जिसको अगर टच किया बॉल ने तो गेम ओवर हो जाएगा। हाँ, और फिर हम एक बैकड्रॉप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने नियॉन टनल लिया है। फिर हम या इसके कॉपी बनाएंगे कॉपी, और ये बैकड्रॉप वन में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद एक मिनट, इसको जरा हम लंबा कर लेते हैं। और यहाँ से भी हाँ, तो ये करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे गेम ओवर। तो जैसे ही हमारा गेम ओवर हो गया, उसकी स्लाइड रहेगी हमारी, इसको हम जरा इधर कर लेते हैं, डन। तो अभी हम बॉल के स्प्राइट पर क्लिक करके, बेसिकली हमारे पास पांच स्प्राइट है, तो उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप गर्ल है तो पिंक, या फिर ये वाला, तो ऐसा आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो मेरे को तो ब्लू बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ब्लू चूज करता हूँ। हाँ, तो अभी हम बॉल की कोड से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो व्हेन फ्लैग क्लिक्ड पॉइंट इन डायरेक्शन, ये वाला ब्लॉक लेना है हमें मोशन से, और यहाँ पर हमें यहाँ पर करना है 45, पॉइंट इन डायरेक्शन 45। फिर हमें फॉरएवर वाला ब्लॉक लेना है जिससे ये एक लूप बन जाए, और फिर हमें वापस मोशन में जाकर यहाँ से ये लेना है मूव 15 स्टेप्स। ये मूव 10 स्टेप्स है, हमें इसको 15 स्टेप करना है, 15 स्टेप। और लिखना है इफ ऑन एज बाउंस, हमें कंट्रोल्स में जा, सॉरी हमें मोशन में ही रहना है, थोड़े से नीचे स्क्रॉल करके इफ ऑन एज बाउंस, मतलब अगर ये एज पे होगा तो ये बाउंस कर जाए। ये देखो, ये ऐसे बाउंस करेगा अगर ये एज के पास जाएगा तो। हाँ, तभी हम आगे का बनाते हैं, पर उससे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लुक्स में जा करना पड़ेगा हमें, और ये स्विच बैकड्रॉप टू नियॉन टनल रखना पड़ेगा। तो जैसे अब व्हेन फ्लैग क्लिक होगा, ये नियॉन टनल में बैकड्रॉप स्विच हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इस बॉल के आगे के कोड से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अभी हमें व्हेन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक लेना है, और यहाँ पर से हमें जाना है वापस से वेरिएबल वाले इसमें, और यहाँ पर हमें ये दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। एक मिनट, माय वेरिएबल वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये हेल्थ और एक स्कोर वाला, एक्चुअली हेल्थ वाले का इतना काम नहीं है, इसलिए हम इसको भी डिलीट कर देंगे, हमें बस स्कोर चाहिए। अगर आपको पता नहीं वेरिएबल्स कैसे बनाते तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये यहाँ पर एक वेरिएबल्स में जाकर हमें मेक अ वेरिएबल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी मनपसंद का वेरिएबल डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ score स्कोर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अभी हमें ये सेट स्कोर टू जीरो वाला ब्लॉक लेके इसको यहाँ लगाना है, और इसके ऊपर ट्विटर की ब्लू टिक करनी है। तो अब हमें लेना है यहाँ से व्हेन फ्लैग क्लिक अगेन, और यहाँ पर फॉरएवर वाला ब्लॉक, एक मिनट, फॉरएवर, और यहाँ से फिर ये इफ देन वाला ब्लॉक, इसमें से हमें लेना है टचिंग वाला, सेंसिंग में जाकर ये टचिंग वाला ब्लॉक लेकर इसमें सेट करना है पैडल। फिर हमें वापस मोशन में जाकर यहाँ से लेना है टर्न वाला ब्लॉक, और इसको हमें नंबर इनपुट करना है 180। देन अगेन हमें यहाँ पर फिर मूव 15 स्टेप्स डालना है, मूव 15 स्टेप्स, और यहाँ पर वापस से हमें कंट्रोल्स में आके यहाँ पर लिखना है वेट 0.5 सेकेंड्स, वेट 0.5 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा
अभी मैं आपको और आगे हाँ तो फिर अभी यहाँ पर हमें वेरिएबल्स में जाकर यहाँ से ये वाला ब्लॉक लेना है चेंज स्कोर बाय वन और इसको यहाँ पर डाल देना है। अभी देखते हैं हमारा बॉल कैसे करता है वर्क। तो हाँ हमारा बॉल अच्छे से वर्क तो कर रहा है। ये देखिए इसने अभी पेडल को टच किया था इसलिए इसका जो स्कोर है वो वन से चेंज हो गया। तो अभी हम आगे की पेडल की कोडिंग देखते हैं। हाँ तो फिर अभी हम पेडल की कोडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर लेना है वेन फ्लैग क्लिक, इसकी कोडिंग बस तीन ब्लॉक्स चार ब्लॉक्स के वेन फ्लैग क्लिक फॉर एवर। अभी यहाँ पर जाना है हमें मोशन में और यहाँ से सेट एक्स वाला ब्लॉक लेना है सेट एक्स टू और सेंसिंग में जाकर हमें यहाँ से माउस एक्स वाला ब्लॉक जो है वो ग्रैप कर लेना है ये माउस एक्स। तो अब देखते हैं कैसा वर्क करता है। तो यस ये अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा गेम। हाँ अभी हमारा फाइनल ये रेड लाइन को टच कर रहा है पर ये आउट नहीं हो रहा है। तो ये फाइनल हमारा टास्क है कि जैसे ही रेड लाइन को टच करता है ये हमारा आउट हो जाना चाहिए। तो अभी हम लाइन की कोडिंग की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो अभी हम लाइन की कोड्स करते हैं। तो हमें लेना है यहाँ से वेन फ्लैग क्लिक ब्लॉक वेन फ्लैग क्लिक फॉर एवर इफ देन ब्लॉक नहीं लेना है हमें। ओके आई एम अगेन सॉरी हमें इफ देन ब्लॉक ही लेना है आई मिस्टेक। यहाँ से हमें टचिंग वाला ब्लॉक लेना है इसको हमें बॉल पर सेट करना है और बॉल पर सेट करने के बाद हमें यहाँ पर स्टॉप ऑल वाला ब्लॉक लेना है ये स्टॉप ऑल वाला ब्लॉक। और लास्टली हमें यहाँ पर डालना है स्विच बैकड्रॉप वाला ब्लॉक और इसको टर्न करना है हमें बैकड्रॉप वन पे। तो अब देखते हैं हमारा गेम कैसे वर्क करता है। तो यस हमारा स्कोर टू से चेंज हुआ और ये जैसे ही लाइन को टच हुआ ये आउट हो गया। अब हमारा लास्ट बस इतना ही काम बचा है इसकी एक डायरेक्शन सेट करना कि जैसे ही स्टार्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा स्टॉप। तो हम इसकी डायरेक्शन ये चूज करते हैं ऐसी और फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसको भी यहाँ पर डाल लेंगे वेन फ्लैग क्लिक गो टू एक्स 33। अभी देखिए जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे वर्क करेगा ये एंड हो गया ये वापस उसने वहां से स्टार्ट किया। तो हमारा आज का वीडियो हो गया है गाइस। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो प्लीज़।